चलिए हल्द्वानी की बात करेंगे, जहां पर पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के चलते गोला नदी उफान पर चल रही है, जिसका असर अब हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर भी देखने को मिला है। ट्रैक नंबर 3 के पास से ट्रैक पूरी तरीके से उखड़ गया है और इसका मलबा भी ट्रैक पर आ गया है। इसके चलते ट्रैक नंबर 3 से रेलवे का संचालन पूरी तरीके से बंद है। साथ ही रेलवे की पटरियों को लोहे की तार से बांध कर रखा गया है ताकि पटरी भी पानी में ना बहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रेलवे और तमाम सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ रेलवे ट्रैक का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने पाया कि रेलवे ट्रैक के नीचे का हिस्सा गोला नदी में चला गया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नंबर 3 है जो रेलवे का है और ये स्ट्रेच जो हल्द्वानी से काठगोदाम जाती है और इसके पैरेलल गोला नदी आप देख रहे हैं कि बह रही है और इसमें पुराना काम रेलवेज ने कुछ किया था गिबन स्ट्रक्चर्स का, उसके बावजूद यहाँ पे कटा हुआ है क्योंकि जो गोला का लेवल था 56,000 क्यूसेक के आसपास था परसों जब बहुत तेज़ बारिश हुई थी। इसमें एक तो रेलवेज की ओर से उनके पास फंड्स अवेलेबल हैं जिनका काम चल भी रहा है, प्रोटेक्शन वर्क्स का और स्पर्स का जो अब बरसात आने पर पूरा होगा, लेकिन यहाँ पे मुख्य मुद्दा ये है कि जो गोला नदी है ये इसका चैनलाइजेशन इस प्रकार से कराना है कि वो बीच में बहे, क्योंकि दूसरी तरफ हमारा स्टेडियम भी है उसको भी डैमेज से बचाना है। दूसरा बीच में जो ऑर्डर्स थे कि पुलों के 500 मीटर के आसपास बिल्कुल माइनिंग नहीं होगी, वो अपनी जगह सही है ऑर्डर,